नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल पे आज हम करेंगे DSSB TGT मैथ्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेश क्वाड्रिक इक्वेशन 4 + m² + m + 1 x + 1 इजल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अब ये इक्वेशन है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है, इक्वल है। इसके रूट मान लो अल्फा एंड बीटा है, ये दोनों क्या है, इक्वल। अपने को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, m। अब देखो रूट इक्वल हो तब क्या कंडीशन होती है, रूट जब इक्वल हो अल्फा बराबर बीटा हो तब क्या होता है, b² -4ac इजल टू 0। अब अपनी इक्वेशन क्या है, वो 4 + m² + m + 1 x + 1 इजल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इजल टू 0। अब देखो वैल्यू पुट करो, m + 1 का होल स्क्वायर - 4 × 4 + m × 1 इजल टू 0। ये क्या हो जाएगा, m² + 1 + 2m - 16 - 4m इजल टू 0। अब देखो नेक्स्ट, m² और -2m - 15 = 0। इसका क्या करो, फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, m - 5 और m + 3 = 0। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, और यदि ये आंसर और होता तो ये भी हो जाता है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी पहाड़ की चोटी से देखता है कि तल तक जाने वाले रास्ते के दो लगातार किलोमीटर, जो लगातार किलोमीटर पत्थर हैं उसका अवनमन कोण 30 और 60 है। अब जो व्यक्ति हिल स्टेशन पे है ऊपर, वो नीचे डिप्रेशन की ओर देखेगा, तो ये और ये किलोमीटर फर्स्ट हो गया और ये सेकंड किलोमीटर हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 1 किलोमीटर। इस हिल की हाइट हम क्या सोच लेते हैं, एच मान लेते हैं, और इसके तल से ये फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देखो अब ये a b c और d है, तो ट्रेंगल लेते हैं a b c, तो 10 60 = h/x इज इक्वल टू √3। तो देखो h = √3x। इक्वेशन नंबर, एक बार रुको, इक्वेशन नहीं लिखेंगे। फिर ट्रायंगल लेते हैं ABD, 10 30 = क्या हो जाएगा, h/x + 1। ये पूरी ऐड हो जाएगी क्योंकि ABD है, x प्लस वन तो, और h ये इजल टू 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, √3h = x + 1, ठीक है। अब देखो इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, √3h = 3x। तो ये भी √3 हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन वन इसको कर दो और इक्वेशन टू इसको कर दो, तो देखो 3x = x + 1, तो 2x = 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब h की वैल्यू फाइंड करते हैं, h यहां रख दो 3 बाई जो यहां, तो 3h = क्या है, 3x है, तो √3h = 3 × 1/2। ये √3 से √3 बार गया, तो h = √3/2। आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। इफ ए बी सी, ए कोई सेट है उसमें ए बी सी एलिमेंट है, बी कोई अनोदर सेट है जिसमें बी सी डी इसके एलिमेंट हैं, और सी एक सेट और है जिसके ए डी सी हैं। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है ए माइनस बी और बी इंटरसेक्शन सी का मल्टीपल इसके इक्वल होगा। अब देखो पहले ए माइनस बी निकालते हैं, तो ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए में से बी वाले माइनस कर देंगे, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस बी सी डी। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ ए बच जाएगी। देखो बी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगी, ए बचेगी। अब देखो नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, अब इंटरसेक्शन हम सबको पता है, तो बी और सी में कौन सा कॉमन है, देखो बी और सी में सी और डी दोनों कॉमन है, सी एंड डी दोनों कॉमन है। अब देखो अपने को क्या करना है, मल्टीपल करना है, ए माइनस बी मल्टीपल बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए मल्टीपल सी एंड डी। अब ये क्या हो जाएगा, ए सी एंड ए डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस करेंगे बी सी डी, तो ए हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी सी डी हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो ए का सी से मल्टीपल होगा और ए का डी से मल्टीपल होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो इफ एफ फंक्शन है आर से आर डिफाइन है, इज डिफाइन बाई एफ एक्स इजगल टू मोड एक्स। अब देखो एफ एक्स इजगल टू दे दिया आपको मैड मोड एक्स, और आर से आर में दिया है, ये ध्यान रखना। यदि एफ इजगल टू मोड एक्स दिया है और आर से आर में डिफाइन दिया, और फिर क्या, तो परिभाषित कीजिए एफ इनवर्स एफ इनवर्स एफ इनवर्स, और इसका आंसर ये होगा। क्यों होगा, देखो मोड एक्स होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये आर से आर प्लस में डिफाइन है। पहले बात इसकी जो वैल्यू आएंगी वाई इजगल टू सारी प्लस में आएंगी, तो यहां क्या कर रहा है, आर से आर ले रहा है इसका। और दूसरी बात एफ इनवर्स निकालना है अपने को, एफ इनवर्स के लिए सबसे पहले जरूरी है वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू या एक के की आच्छादक, जो ये वन वन ऑन टू मोड एक्स होता नहीं आर से आर में, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा तो, और विद्यमान क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोड एक्स का वन वन ऑन टू है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इजगल टू जीरो। अब ये आप निकालने ना, वैसे इजी है, देखते हैं वैल्यू पुट करके, माइनस सिक्स यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये तो नहीं होगा, माइनस नाइन माइनस तो नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्यूब बड़ी जा रही है, देखो माइनस थ्री सिक्स देखते हैं, दो सोलह ये भी नहीं होगा, माइनस थ्री देखते हैं, तो माइनस का ट्वेंटी सेवन प्लस का एटीन और प्लस का नाइन इजगल टू जीरो, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ फाइव की पावर एट थ्री फोर की इकाई अंक क्या होगा, मतलब फाइव की पावर एट थ्री फोर इकाई अंक पर होने वाला अंक क्या होगा।
देखो, फाइव एक ऐसी संख्या है इसके ऊपर कितनी भी पावर हो, चाहिए एन पावर हो, उसका लास्ट का अंक हमेशा ही केवल जीरो नहीं होना चाहिए। एन इज नेचुरल नंबर, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा फाइव होगा। देखो, फाइव की पावर वन फाइव, फाइव की पावर टू 25, फाइव की पावर थ्री 125, फाइव की पावर और कितना हो जाएगा? तो इसलिए आगे चलते जाओगे तो ये लास्ट का अंक क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। अब देखो नाइन का और चेक कर लेते हैं, नाइन की पावर एन में इकाई अंक क्या होगा या फिर लास्ट डिजिट क्या होगा इस? तो नाइन इंटू नाइन, नाइन 81, नाइन की क्यूब, फिर 94, फिर लास्ट में बना होगा। देखो नाइन में क्या हो रहा है कि एन एन ओड है तब तो नाइन होगा, और एन इवन है तब क्या होगा? वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 13π/π/4 इज सेम वैल्यू। अब साइन 13π/4 है ये किसके बराबर है इनमें से? देखो इसका सबसे बड़ा तोड़ ये, मतलब शॉर्ट ट्रिक की बात करें तब इसमें से, पहले तो इसको इस तरीके से लिखो, साइन क्या लिख सकते हैं इसको? देखो 3π+π/4 लिख सकते हैं, ये अपने को लिखना पड़ेगा। इसमें से 2π निकाल दो आप, क्योंकि 2π क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये सर्किल पूरा वापस यहाँ आ जाता है, मतलब यहाँ वापस आ जाएंगे तो इस 2π का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 2π निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस पाई बाई फोर, तो साइन पाई प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा? साइन पाई पाई बाई फोर, और वैसे माइनस साइन पाई बाई फोर भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 4x + 7 है, ठीक है, और अल्फा बीटा, इसके इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा है, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन अपने को क्या दी हुई है? 3x² + 4x + 7 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a इक्वल टू -4/3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a इक्वल टू 7/3 हो गया। अब अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है कि 1/α और 1/β, तो अब इसको लेते हैं, 1/α + 1/β करना है, तो आप एलसीएम लो, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? -4/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 7/3। दोनों को पुट कर दो, -4/3 और 7/3, 3 से 3 कैंसिल, -4/7, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c इक्वल टू 0 है, इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा, देन द इक्वेशन हुज रूट आर 1/α 1/β इच। यदि एक इक्वेशन दी हुई है अपने पास जिसके मूल अल्फा एंड बीटा हैं, तो जिस समीकरण के मूल 1/α और 1/β, वो इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो जब मूल अल्फा बीटा दिए हुए हों और इसको 1/α 1/β में चेंज करना है, तो हम एक्स को कहाँ चेंज करते हैं? 1/x में, ठीक है, तो आप कर दो एक्स की जगह 1/x, अपनी समीकरण क्या है? c इक्वल टू 0 है, तो ए
वन अपॉन एक्स चेंज कर दो, एक्स वन अपॉन एक्स ये चेंज किया है का स्क्वायर प्लस बी वन अपॉन एक्स प्लस सी इजल टू जीरो, ए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन अपॉन एक्स प्लस सी इजल टू जीरो। अब देखो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजल टू जीरो, ये जहां भी आंसर होगे ये एलसीएम लेके आगे भेज दोगे तो सी एक्स स्क्वायर बी एक्स और ए बच जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ए यहाँ हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ए। इसको एक्स भी ले सकते हो इसकी जगह, कई वाई भी लेते हैं ठीक है, तो इनमें से दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपको जो ऑप्शन में हो वो सही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर रूट टू ई की पावर आइटा पाई। देखो ये क्वेश्चन होता है वैसे तो आर ई की पावर आइटा थीटा से हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन अब इसमें देखते हैं रूट टू वाले क्या है, और आर की वैल्यू क्या होगी रूट टू है तो ये रूट टू पे डिपेंड करेगी, और यहां पे क्या वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी। तो रूट टू ई की पावर आइटा पाई है। अब देखो ई की पावर जब आइटा थीटा होता है तब क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा रूट टू तो मल्टीप्लाई कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई हो जाएगा, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई। अब देखो कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन, आइटा नहीं साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो ये पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस वाई, इसका मतलब माइनस रूट टू। अब रूट टू इरेशनल होती है तो माइनस वाली भी इरेशनल होगी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इजी है, इफ देयर आर 12 परसन इन ए पार्टी एंड इफ ईच ऑफ देम शेक हैंड, मतलब हाथ मिला रहे हैं 12 परसन है जो एक पार्टी में जाके हाथ मिला रहे हैं, और ये कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो देन नंबर ऑफ हैंड शेक इन पार्टी आर ईच अदर देन। तो ठीक है इसमें आधारित एक आईपीएल का क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि आठ टीम है यदि एक एक बार मैच करवाएंगे तो कितनी बार मैच हो सकते हैं, तो इस आधार पे देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, एन एन माइनस वन अपॉन टू, एन की वैल्यू कितनी है 12 × 11 अपॉन टू तो 66, एन एन माइनस वन मत कर देना क्योंकि ये होता है जब दो दो बार हाथ मिलाएं तब, तो जो आईपीएल में लागू होता है, आईपीएल में एक टीम के साथ कितने मैच होते हैं दो मैच होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन करने के आपको मैं दो या तीन तरीके बताऊंगा, लेकिन जो मुझे शॉर्ट में लगा वो तरीका आप देख लो। देखो ये इक्वेशन है 7C0 7C1, अब देखो 7C1 दो बार आ गया, इसी प्रकार 7C2 दो बार आएगा, 7C6 तक दो बार आएंगे, और 7C1 ये वन बार आएगा और ये वन बार आएगा, बाकी सब दो दो बार आएंगे। अब देखो 7C10 दो दो बार आएंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लो 7C1 7C2 देन 7C6 और 7C7 भी वन बार आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखो 7C0 7C1 चलता चलता यदि 7C7 होता तो अपने पास क्या होता, इसकी वैल्यू क्या क्या होती 2 की पावर 7, क्योंकि NC0 NC1 और NC n की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n होती है, देन यहां क्या हो जाएगी 2 की पावर 7, लेकिन अपने पास तो ये नंबर है बीच में,
यहाँ तक, सेवन भी नहीं है यहाँ, सेवन सी सिक्स ही है क्योंकि ये, तो वन वैल्यू इसकी और वन वैल्यू इसकी, ये आगे जाके माइनस में हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टू की पावर सेवन माइनस टू, ठीक है, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो देखो वन प्लस टू इंटू टू की पावर सेवन माइनस टू प्लस वन, तो ये कितनी हो जाएगी, टू की पावर एट क्योंकि ये, और माइनस का फोर प्लस का टू, तो टू की पावर एट माइनस टू। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ तक क्या है कि ये अपने आप माइंड में होना चाहिए, नहीं कि यहाँ लिख लिख के करें। तो इसलिए इसका टू की पावर एन याद रखोगे, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन होगा, तो टू की पावर एन होगा। तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए अपने को, तो ये इधर लेके माइनस में ले जाओ, माइनस में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। तो ये इतने की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू की पावर सेवन माइनस टू, दो से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू वन है और इसकी वैल्यू भी वन है, तो ये टू की पावर एट हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई होगी, और ये माइनस का फोर हो जाएगा, और ये वन वन है टू हो जाएगा, तो टू की पावर एट माइनस टू। बाकी करने से ऐसे भी कर सकते हो आप, सेवन सी जीरो लेके सेवन सी सिक्स तक ले जाओ आप, फिर दूसरा सेवन सी वन से लेकर सेवन सी सेवन तक ले जाओ, ये दोनों की सेम वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू आएगी टू की पावर सेवन माइनस वन, ठीक है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी आसान तरीका है, लेकिन मुझे ये इस स्टेप से डायरेक्ट इसी स्टेप, और ये स्टेप और ये स्टेप दोनों भी नहीं निकलनी पड़ेगी, केवल डायरेक्ट थोड़ा दिमाग लगा के ये थोड़ा लिखा और डायरेक्ट ये स्टेप, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन रह जाएंगे, टाइम की सबसे बड़ी महत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये सेट का क्वेश्चन है, और सेट के क्वेश्चन सारे जो तीन से पाँच तक आएंगे वो सारे इजी आएंगे, ठीक है। तो अब फोर एनी टू सेट्स ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, मतलब पूरक लिया है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो, ठीक है, देन अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इसको यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको यहाँ मल्टी बार वाले को हमेशा गुणा कर देना और अंदर वाले को हमेशा प्लस कर देना, ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा, अंदर वाले को प्लस लिख दो और बाहर वाले को गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ये हो रहा है ना, इसी प्रकार ये लिखते हैं हम। और एक अब देखो ए यूनियन बी का यदि ऊपर पूरक लेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, और ए का पावर सी इंटरसेक्शन बी की सी हो जाएगा। तो ये लिखना है अपने को, ए इंटरसेक्शन ए की पावर सी इंटरसेक्शन बी की पावर सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए की पावर सी, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटरसेक्शन ये है, यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ यूनियन आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, देख लो दोबारा ये बाहर वाला दोबारा आ रहा है दो बार, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ प्लस, ये फिक्स नंबर है, यही करना पड़ेगा आप यदि याद नहीं रह रहा, और जिसको याद है उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये आगे भी इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी हो जाएगा। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, ए और ए का पूरक हमेशा फाई होता है, और फाई के आगे साथ में कुछ भी ले लो आप, फाई के साथ में आप यदि इंटरसेक्शन ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, फाई आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका